फिजिक्स की बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूं दिनेश शर्मा और आज मैं बात करूंगा कंटिन्यू 11th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ। टॉपिक इज डायमेंशनल एनालिसिस, जिसके ऑलरेडी दो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जो हमने पिछला दो टॉपिक में काम किया आपको समझ आया होगा, आपने उसको एक बार वर्कआउट भी कर लिया होगा, है ना। नए टॉपिक्स हैं, शुरू से करना शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली आपको बाद में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। एंड आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। रिस्पांस भी दिख रहा था मैं, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तो आगे चलते हैं, आज हम कुछ नई फिजिकल क्वांटिटीज लेकर चलते हैं और उनके भी डायमेंशनल फॉर्मूली डिराइव करते हैं। सो शुरुआत करते हैं हीट से। हीट तो आपने सुना है ना, हीट इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? सो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो दैट शुड बी एम एल टू टी माइनस टू। एग्री? सभी वर्क एनर्जी सभी का सेम होता है ये। ओके, तो फर्स्ट इज। सेकेंड इज, यदि आप हीट को टेम्परेचर के साथ डिवाइड कर दें तो ये हमारी एक क्वांटिटी आती है जो कांस्टेंट है, एंड विच वॉज गिवन बाई वन मैन हुज नेम वॉज बोल्ट्स मैन। तो इसका नाम हो गया बोल्ट्स, बी ओ एल टी जेड, बोल्ट्स मैन, बोल्ट्स मैन्स कांस्टेंट, राइट। दिस इज हीट बाय टेम्परेचर। और इसका सिंबल लेते हैं स्मॉल के, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो गया फिर? हीट कितना होता है जी, अभी कहा था एम एल टू टी माइनस टू, टेम्परेचर इज केल्विन, माइंड इट, इट्स नॉट टाइम, इट इज केल्विन। सो दैट बिकम्स एम एल टू टी माइनस टू एंड के माइनस वन, दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको लिख रहे हैं। सो दिस इज हीट बाय टेम्परेचर। एंड वन मोर क्वांटिटी कैन बी रिलेटेड हियर, व्हिच इज जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। जूल्स मैकेनिकल, काफ़ी लंबा नाम है ना, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ डायमेंशन के लिए। जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, सिंपल छोटा सा इसका जे। तो दिस इज इक्वल टू, तो पहले इसका हमें पता चाहिए फार्मूला। तो फार्मूला इसका होता है वर्क पर यूनिट हीट, है ना, डायमेंशनली वी कैन राइट दिस। तो वर्क कितना हो गया, वर्क इज एम एल टू टी माइनस टू, हीट भी कितना होता है एम एल टू टी माइनस टू, तो ये तो हो गया एम जीरो एल जीरो टी जीरो, सब कुछ इसका गिर गया है, तो कुछ भी नहीं बचा। दैट मीन्स दिस इज हैविंग नो डायमेंशन, दिस इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इज राइट टू से? यस, ये है डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसके डायमेंशन हैं, इसके डायमेंशन भी हैं, राइट। और इसकी खासकर बात करें तो हालांकि ये डायमेंशनलेस है, लेकिन फिर भी इसके यूनिट्स होते हैं। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है बोर्ड्स के लिए कि इज इट पॉसिबल दैट ए क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस, इट हैज नो डायमेंशंस, स्टिल इट हैज यूनिट्स? तो आंसर इज यस, दिस इज पॉसिबल। और उसका एग्जांपल यही आ गया, एक तो जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो इसका हालांकि देखो ना, वर्क और हीट दोनों का ही आप बोलेंगे एस आई यूनिट, वो तो चलो कट जाएगा जूल जूल, लेकिन ऐसा यूज होता नहीं है। तो वर्क का प्रैक्टिकल यूनिट इज जूल एंड हीट का यूनिट इज कैलरी, तो दिस इज जूल पर कैलरी, तो दिस इज जूल पर कैलरी, दिस इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। और ऐसी एक क्वांटिटी और भी है जिसके डायमेंशन तो नहीं होते लेकिन यूनिट्स होते हैं, और वो है एंगल। लगे हाथ हुई बात कर ली जाए, हालांकि उसका हीट से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी जरा एंगल की बात कर ली जाए लगे हाथ। तो व्हाट इज एंगल? आपने तो बहुत एंगल बनाया है ना आज तक, 30 का, 40 का, है ना, 45 का, 60 का, लेकिन सभी एंगल कुछ इस तरह से बनते थे, कैन यू एग्री? और एंगल का बेसिक डेफिनेशन क्या कहता है, देखिए ध्यान से जरा। ये एंगल बना, इसको नाम दिया थीटा, ये सेंटर है और ये एक सर्कल का पार्ट है, तो ये आर्क हो गया। ये इसको मैंने लिख दिया एल, लेंथ ऑफ द आर्क, और ये बन गया इसका रेडियस। तो एंगल क्या होता है? एंगल इज एल बाई आर, राइट। एंगल इज अ रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द आर्क टू द रेडियस, यानी दिस इज रेशियो ऑफ लेंथ टू लेंथ, ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है। तो डायमेंशन तो इसके क्या बन जाएंगे, तो एंगल का डायमेंशनल फार्मूला क्या बन जाएगा थीटा का? सोचिए, थीटा जरा ढंग से लिखे तो हमें ये लिख दिया थीटा, तो लेंथ का भी एल और रेडियस का भी एल, दोनों कट गए, तो व्हाट इज दैट? दिट इज एम जीरो एल जीरो टी जीरो। तो अभी जैसे क्या था जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, वैसा ही इसके भी डायमेंशन नहीं है, लेकिन क्या एंगल का यूनिट होता है? यस होता है। हमने जो पढ़ी थी ना सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज और दो पढ़ी थी साथ में सप्लीमेंट्री, उनमें एंगल भी था एक। तो दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन।
इफ यू कैन रिकॉल रेडियन वॉज द यूनिट, पूरा नाम ऐसे लिखते थे, एंड आर ए डी वॉज रेडियन वॉज एस आई यूनिट फॉर द एंगल. तो इसका आंसर हुआ यस, राइट. और इससे पहले कि न्यूमेरिकल शुरू करें, है ना, आप न्यूमेरिकल्स आपने खूब सारे करने हैं, न्यूमेरिकल के साथ खूब प्यार करना है. प्रैक्टिस प्रॉब्लम जितनी करोगे ना उतना आपको मज़ा आएगा क्वेश्चन को करते टाइम, आपको कंसेप्ट की अच्छी समझ आएगी आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे. सो इलेवेंथ और ट्वेल्थ में मेक इट ए हैबिट, टॉपिक समझो, कंसेप्ट को समझो, जहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं उन क्वेश्चंस को एक सीक्वेंस ऑर्डर में जहाँ से मिले उनको करिए, है ना. तो टाइम का यूज़ करते हुए ट्राई टू सॉल्व एज मैनी क्वेश्चंस. एनी हो, क्वेश्चन शुरू करेंगे बाद में, लेकिन पहले मैं एक और क्वांटिटी लेके चल रहा हूँ. अब देखिए, हमने एम को यूज़ कर लिया, एल को कर लिया, टी को कर लिया, यस, हमने टेम्परेचर भी कर लिया, हमने एम्पियर भी कर लिया, ये था ना रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस वगैरह सारे उसमें ये भी कर लिया था, आज ये भी हो गया. अब इसके अलावा हम मोल भी यूज़ कर सकते हैं, मोल. तो एक क्वांटिटी वो लेते हैं, एक एग्जांपल वो लेते हैं जहाँ पर मोल का यूज़ भी हो जाए. सो लेट अस टेक गैस कांस्टेंट. व्हाट इज़ गैस कांस्टेंट, ये तो डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, इलेवेंथ क्लास में ही इसकी बात डिटेल में हो जाएगी, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी. एक गैस इक्वेशन होता है जिसे हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, राइट. इसमें पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स है, ये गैस कांस्टेंट है. जो मैंने कहा ना आपसे कि जिसके डायमेंशन निकालने, वो ये आर है वो, और टी इज टेम्परेचर. तो सबसे पहला काम तो क्या हुआ कि आप आर लिखो, आर कितना हो गया, तो आर हो गया पी वी, मैंने उल्टा लिख दिया, चलो वैसे फ़र्क तो कोई नहीं था लेकिन फिर भी सीधा लिख देते हैं, पी वी बाय एन टी, इज इट. अब सभी के डायमेंशंस लिखिए और आंसर निकाल दीजिए, आपको आते हैं इनके कि नहीं आते, कोशिश करिए. तो आर का डायमेंशनल फार्मूला कितना हो गया जी, पहले पी प्रेशर, प्रेशर याद करिए, फोर्स पर यूनिट एरिया याद आ गया, एम एल टी माइनस टू बाई एल टू, दिस इज एम एल माइनस वन टी माइनस टू, जिनको डाउट है वो अपनी कॉपी देख लीजिए. आगे चलते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम इज एल थ्री, नीचे आते हैं, अब ये एन आ गया, एन इज नंबर ऑफ मोल्स, तो ये मोल ही होगा इसका. और टी, टी इज टेम्परेचर, तो ये हो गया केल्विन. तो कहानी ओवर, लिखें तो दिस इज एम, एल इज थ्री माइनस वन टू, एम एल टू टी माइनस टू, ये तो वर्क वाला लग रहा है कुछ वैसा वैसा, लेकिन साथ में मोल ऊपर गया, न्यूमरेटर में क्या बन गया, पर मोल और पर केल्विन. तो गैस कांस्टेंट का ये हुआ जी डायमेंशनल फार्मूला, एम एल टू टी माइनस टू पर मोल पर केल्विन. सो विद दिस इन्फॉर्मेशन नाउ वी विल प्रोसीड टूवर्ड्स द न्यूमेरिकल्स एंड सम क्वेश्चंस. आपको इतना बता दूं कि नीट में डायमेंशंस में से क्वेश्चंस आते रहते हैं, हालांकि जेई में थोड़े से क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के डिफरेंट पार्ट से आते हैं, लेकिन फिर भी हमें सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं, सो दैट इफ एनी क्वेश्चन इज देयर वी कैन फेस दैट क्वेश्चन बोल्डली. और बोर्ड्स के लिए तो खैर आपको तैयार करने ही है ना, तो शुरू किया जाए. ओके, तो आइए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में एक शुरुआत खेल से करते हैं. और ये खेल क्या है, ये खेल रोल प्ले है ना. रोल प्ले क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि तुम सूरज हो, तुम पृथ्वी हो, हालांकि ना ये सूरज ना ही पृथ्वी, लेकिन रोल दे रहे उसको कुछ टाइम के लिए, जैसे स्किट होता है, कोई प्ले होता है. हमें पता है कि हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, सेवन क्वांटिटीज़ आर देयर फंडामेंटल क्वांटिटीज़, राइट. और दोस्त के साथ हमने किया था सप्लीमेंट्री, वो हैं फंडामेंटल, और डिराइव्ड को उनकी टर्म्स में लिखते हैं. लेकिन मान लीजिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि इफ़ वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स, दीज आर टेकन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, राइट, दीज आर टेकन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, हालांकि ये है नहीं फंडामेंटल, लेकिन मान लिया जाए कि ये रोल प्ले है ना, एक हम स्किट खेल रहे हैं, एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर मास. क्वेश्चन ये है कि मास का फार्मूला क्या होगा इनकी टर्म्स में, इन तीनों की टर्म्स में, इज इट क्लियर. अब वैसे देखा जाए तो व्यवहारिक रूप से तो मास अपने आप में ही फंडामेंटल, उसका तो ये होता है डायमेंशनल फार्मूला, लेकिन ये तो फंडामेंटल है नहीं हमारे केस में, तो हमें तो इसकी टर्म में बात करनी है क्योंकि इनका रोल दिया हमने फंडामेंटल का, वेलोसिटी, टाइम और फोर्स को. तो क्वेश्चन कैसे किया जाए, ऐसे क्वेश्चन को करने की बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, हीट एंड ट्रायल भी है और भी हैं, और बाद में एक इसका प्लान्ड वे भी है थोड़ा सा, तो उसको बाद में करेंगे, अभी नहीं, वो जब हम डायमेंशंस के यूजेस करेंगे तो वहाँ पर एक प्लान्ड वे भी आएगा, है ना, जो बिल्कुल सेट बैठेगा. लेकिन फिर भी फटाफट से करना हो, हिट एंड ट्रायल से करना हो, तो कैसे हो सकता है. सबसे ईजीएस्ट अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन को करने की,
कि एक ऐसा कोई फॉर्मूला ढूंढा जाए जिसमें ये चारों आती हों, वेलोसिटी, टाइम, फोर्स एंड मास भी। तो इनमें सबसे बड़ी बहन तो इनकी कौन है, फोर्स, जिसमें सारी इंक्लूड होती हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला याद करिए, न्यूटन सेकंड लॉ से क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। कैन यू रिकॉल, क्लास नाइन्थ में भी कर रहे थे आप। अच्छा, मास तो चलो मिल गया हमें, मास तो एम हो गया, फोर्स भी एफ हो गया, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये हो गया वी बाई टी भी हो गया जी। तो हमें तो निकालना है मास, तो बनाइए मास को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। तो मास क्या बन गया, दिस इज एफ, और ये टी चला गया उधर, और वी आ गया इन द डिनोमिनेटर। सो मास का डायमेंशनल फार्मूला क्या बन गया, दिस इज एफ टी एंड वी माइनस वन। सो यू कैन सी दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर मास इन टर्म्स ऑफ एफ टी एंड वी। सिंपल आइडिया। एक ऐसा ही क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें डिफरेंट सेट ऑफ क्वांटिटीज करते हैं। तो एक ऐसा ही क्वेश्चन, एक और, स्पीड ऑफ लाइट, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एंड प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन तीनों को लीजिए फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ लेंथ इन टर्म्स ऑफ दिस, राइट द डायमेंशनल फार्मूला फॉर लेंथ इन टर्म्स ऑफ दिस। यानी अब हम इन तीनों को मानेंगे फंडामेंटल और लेंथ की बात करेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम आएगी, पहले तो हम देखें कि इनके यूनिट्स होते क्या क्या है ना, और डायमेंशनल फार्मूला फॉर दिस, नॉट यूनिट्स, डायमेंशनल फार्मूला। सी का क्या होता है, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट, दिस एल टी माइनस वन। ये आपकी जानकारी के लिए, स्पीड ऑफ लाइट का सिंबल सी होता है, स्पीड है तो एल टी माइनस वन। वट इज जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज एल टी माइनस टू, एक्सेलरेशन तो यही होता है। एंड प्रेशर, तो एटमोसफेयर प्रेशर है तो प्रेशर का यू नो इट वेल, दिस इज एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये हमारा बन गया प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला। अब लेंथ का निकालना है इनकी टर्म्स में, और इनकी वैल्यू क्या है वो सारी दी हुई है। मैं थोड़ा देख रहा हूँ कि शायद इन दोनों से लेंथ निकल जाएगा, कैसे, देखिए लेंथ इज इक्वल टू, मैं एक हिट एंड ट्रायल से काम कर रहा हूँ यहाँ पर, हालांकि ये प्रॉपर मेथड नहीं है, लेकिन केवल हमें कॉम्पिटिटिव में हिट एंड ट्रायल से जल्दी अप्रोच मिल जाती है। देखिए इस लेंथ को यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मान लीजिए किसके साथ, ये एल टी माइनस टू के साथ करता हूँ मल्टीप्लाई, और तो इससे हम डिवाइड भी कर दें, इज इट, एल टी माइनस टू से ही मल्टीप्लाई किया और एल टी माइनस टू से डिवाइड किया। ऐसा करने से क्या हुआ, ऊपर कितना गया एल टू टी माइनस टू और नीचे आ गया एल टी माइनस टू। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये इन द डिनोमिनेटर आई एम हैविंग दिस। अच्छा, ऊपर एक बात देख रहे हैं आप, इफ इट इज़ एल टी माइनस वन स्क्वायर, एल टू टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एल टी माइनस वन, तो हमारा आंसर निकल जाता है। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर लेंथ। तो लेंथ इज इक्वल टू कितना हो गया जी, देखो यहाँ से एल टी माइनस वन इज सी, तो सी टू, और एल टी माइनस वन कितना हो गया, तो एल टी माइनस वन इज जी, तो दिस इज सी टू जी माइनस वन। दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्रेस लेंथ इन दीज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज विच आर नॉट फंडामेंटल अदरवाइज। ये है नहीं फंडामेंटल, लेकिन हमने अपने क्वेश्चन के लिए इनको रोल प्ले दिया कुछ टाइम के लिए, कि भाई आप बन जाओ फंडामेंटल, तो आपकी टर्म्स में हमारा क्वेश्चन कैसे कैसे चलेगा। इस क्वेश्चन को करने का एक अलग से तरीका है, जो हम अभी विद इन वन और टू लेक्चर्स लेंगे उसको। तो वन मोर क्वेश्चन, एंड दिस इज फॉर टेस्टिंग योर स्किल्स, कि आपको क्या क्या याद हैं। अब पी इज ए क्वांटिटी हुज फार्मूला इज ई, ई इज एनर्जी, एल पावर टू, एल इज एंगुलर मोमेंटम, एम एम इज मास, एंड जी जी इज ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि वॉट इज डायमेंशनल फार्मूला फॉर पी। यानी यदि गिवन क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूला पता हो तो हाउ यू विल फाइंड इट्स डायमेंशनल फार्मूला, दिस इज वेरी सिंपल, सभी के वैल्यू पुट करेंगे आंसर निकल जाएगा। तो इसका आंसर कैसे निकाला जाए, सो वी शुड राइट फर्स्ट व्हाट इज डायमेंशनल फार्मूला फॉर ई, ई कितना हो जाएगा जी, यस प्लीज, एम एल टू टी माइनस टू, पहले सबके एक बार लिख लेते हैं ना एक बार। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम एल टू टी माइनस वन, याद है प्लैंक्स कांस्टेंट का और एंगुलर मोमेंटम का एक ही डायमेंशनल फार्मूला था, एम एल टू टी माइनस वन। मास कितना होता है, मास इज मास, हम पहले लिख रहे हैं, जब आप एक्सपर्ट होंगे तो इनको लिखने की जरूरत नहीं रहेगी बाद में। एंड जी, जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, याद आ गया, एफ आर स्क्वायर बाई एम वन एम टू, तो कितना हो गया, दिस इज एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। तो इनको यूज़ करिए एंड लेट अस फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला फॉर पी। तो आप करिए फटाफट से, यहाँ देखना नहीं है, पहले खुद करिए सी कि वो आपका बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एनर्जी इज एम एल टू टी माइनस टू, पावर कोई नहीं, पावर इज वन, एल एल इज एम एल टू टी माइनस वन, पावर इज टू,
एंड एम पावर इज माइनस फाइव एंड जी जी इज एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू एंड इट्स पावर इज माइनस टू. तो दैट बिकम्स एम एम इज वन प्लस टू थ्री थ्री टू प्लस वन इज थ्री और यहाँ कितना हो गया माइनस फाइव और वहाँ से हो गया प्लस टू. एल चलते हैं एल इज टू फ्रॉम हेयर यहाँ पे एल इज प्लस फोर यहाँ नहीं यहाँ पे एल इज थ्री टू द माइनस सिक्स हो गया जी. टी पे चलते हैं टी इज माइनस टू फ्रॉम हेयर सेकेंड में माइनस वन इंटू टू इज माइनस टू एंड दिस इज प्लस फोर. सो दैट बिकम्स एम कितना हो गया जी फाइव माइनस फाइव इज ज़ीरो एल भी ज़ीरो हो गया और टी भी ज़ीरो हो गया दैट मीन अवर क्वान्टिटी वॉज डायमेंशन लेस राइट. तो इन सभी के मिला के डायमेंशन जो कि डायमेंशन लेस हो गए. तो ऐसा सच कोई ये ऐसी क्वान्टिटी नहीं है लेकिन दिस इज जस्ट फॉर योर स्किल टेस्टिंग कि आपको ये एप्लीकेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है. इज इट क्लियर? ओके सो लेट अस मूव टू वन मोर क्वेश्चन. नाउ दिस इज वन मोर क्वेश्चन. एन इज इक्वल टू माइनस डी एन टू माइनस एन वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन ये एक दिया आपको फॉर्मूला कोई. इसका मतलब क्या है आइए समझते हैं. है ना फिजिक्स में बड़ा कोई ऐसे एक्सप्रेशन देके घबराते नहीं है क्वेश्चन को जरा डिकोड करने की कोशिश करते हैं उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा फिर हिंट्स मिल जाते हैं. दिस रिलेशन गिव्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग द यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इन गिवन टाइम. क्या बोले दिस रिलेशन गिव्स यानी व्हाट इज एन. तो एक बात ये समझाइए कि आपको एन क्या है. तो एन लग रहा है कि एन इज दिस रिलेशन गिव्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स. दिस इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स राइट पर यूनिट एरिया क्रॉसिंग यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय एरिया यानी थ्रू गिवन एरिया हाउ मेनी पार्टिकल्स आर क्रॉसिंग दैट डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इन अ गिवन टाइम. तो दिस इज एग्जैक्टली दिस नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. इज इट क्लियर? और क्या दिया हुआ है आपको साथ में ये दिया है कि एन वन एंड एन टू यानी ये दोनों क्या हैं दीज आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम. एन वन एंड एन टू ये दोनों ही व्हाट दीज आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम माने डिवाइडेड बाई वॉल्यूम. सिंपल डायमेंशन में तो बड़ा ईजी रहता है काम ये. और क्या रह गया एक्स टू माइनस एक्स वन एंड एक्स इज डिस्टेंस यानी ये एक्स टू है और एक्स वन दोनों ही डिस्टेंस हैं. तो एक्स वन एंड एक्स टू जो है ना ये डिस्टेंस हैं. तो क्वेश्चन ये है कि जो बाकी क्या रह गया हमारे पास कैपिटल डी बच गया माइनस एन बच गया. तो डायमेंशन में तो माइनस की कोई वैल्यू है नहीं. हमने पहले कहा था ये डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिटेशन है राइट. दिस गिव्स नो अटेंशन टूवर्ड्स दिस नेगेटिव साइन और द न्यूमेरिकल वैल्यूज. तो हमें निकालना है डी कैपिटल डी इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डिफ्यूजन कांस्टेंट. तो ये रह गया डिफ्यूजन कांस्टेंट हमें इसका निकालना है. तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो सकता है. हमें तीन चीज़ों के डायमेंशनल फॉर्मूले चाहिए नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री. एक बार सुनना ध्यान से. मान लीजिए हमें को बोले कि वी टू माइनस वी वन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा. तो ऐसा कभी नहीं करना कि जी वेलोसिटी है तो एल टी माइनस वन माइनस एल टी माइनस वन और जीरो हो गया. ऐसा कभी नहीं करना है ना क्योंकि दो वेलोसिटीज को माइनस करके भी तो क्या बचेगी वेलोसिटी बचेगी ना. तो उनका डिफरेंस भी वेलोसिटी ही होगी यानी इनके डिफरेंस का या इनके सम का डायमेंशनल फार्मूला भी वेलोसिटी का ही फार्मूला होगा. डायमेंशंस में इस बात का खास ध्यान रखा जाए. बात आपको अभी कहिए फिर से कहें एक बार कि मान लीजिए हमें बोलते हैं कि एल टू माइनस एल वन तो एल माइनस एल जीरो नहीं करना. एल टू माइनस एल वन एक लेंथ माइनस एक और लेंथ भी आंसर में लेंथ ही आएगा तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ का ही आएगा. तो डिफरेंस हो तो नीड नॉट वरी ये एन ही है और ये एक्स ही है ये. तो चलिए एक काम करते हैं इनके डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देते हैं और वहाँ से हम कुछ बात को आगे चलाते हैं. तो देयरफॉर एन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया. नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो जैसे 50 60 या 100 कुछ ऐसा तो वो तो नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता. वन लिखते हैं डिवाइडेड बाई एरिया क्या होता है एल टू टाइम इज टी. तो क्या बन गया ये एल माइनस टू और टी माइनस वन व्हेन दे गो टू न्यूमरेटर. तो एन का तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया. व्हाट इज एन वन एंड एन टू. तो इसका एन वन और एन टू दोनों का ही लिख दिया डायमेंशनल फॉर्मूला और इनमें से किसी एक का यहाँ चिपका देंगे राइट. तो क्या हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज वन वॉल्यूम याद है कितना होता है एल थ्री. तो दैट बिकम्स एल माइनस थ्री ये भी गया. एक्स वन एंड एक्स टू डिस्टेंस तो एक्स वन का डायमेंशनल फार्मूला और एक्स टू का तो डिस्टेंस वाला क्या होता है एल हो गया. तो हमारा डी कितना आ गया. तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को थोड़ा मिटा देते हैं
और सीधा डी की बात अब कर लेते हैं, है ना। तो आपने तो कर दिया होगा, बहुत सारे बच्चों ने तो कर लिया होगा मेरे ख्याल से अब तक ये। तो डी कितना हो गया, तो डी इज इक्वल टू एन इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाय दिस इज एन टू माइनस एन वन। मैंने माइनस एन छोड़ दिया, चलो अभी लिख लो माइनस लिखना है। तो डायमेंशन जब लिखेंगे डी के तो माइनस का कोई भी रोल नहीं होगा, हटाइए उसको एन। तो व्हाट इज एन, एल माइनस टू टी माइनस वन, डिस्टेंस का डिफरेंस इज अगेन डिस्टेंस एल डिवाइडेड बाय एन टू माइनस एन वन, दिस इज एल माइनस थ्री। कोई एक लेना है, दोनों नहीं लेंगे हम। दैट बिकम्स एल, ये कितना हो गया, दिस इज माइनस थ्री प्लस थ्री, तो दिस एल टू एंड टी माइनस वन। तो डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला आ गया हमारे पास एल टू टी माइनस वन। और पूरा लिखना चाहें तो यू कैन राइट एम जीरो एल टू टी माइनस वन, बट नो नीड, यही काफ़ी है। दिस इज वेरी सिंपल आइडिया, इज इट क्लियर। ये क्वेश्चन 2015 नीट में आया था, 2015 में नीट दो बार हुआ था, एक बार कैंसिल होकर फिर से हुआ था। क्वेश्चन वाज कि टेकिंग एनर्जी वेलोसिटी एंड टाइम एज फंडामेंटल क्वांटिटीज फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला फॉर सरफेस टेंशन। ये क्वेश्चन भी हम जुगाड़ से कर सकते हैं, है ना, कैसे, इजी वे से। तो इसका आंसर क्या हो सकता है कि यू स्टार्ट विद सरफेस टेंशन जिसका आपको निकालना है डायमेंशनल फार्मूला। तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या होता है, यू नो इट वेल, फोर्स पर यूनिट लेंथ, राइट। हमें फोर्स तो नहीं दिया है, एनर्जी दिया है। तो फोर्स को यदि लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, हमारा एनर्जी निकल जाता है। तो दिस इज फोर्स इनटू लेंथ, माने वर्क आ गया ना, तो वर्क एनर्जी आर इक्विवेलेंट। तो नीचे भी कितना आ गया, लेंथ इनटू लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर हो गया। तो ऊपर तो ठीक है जी, एनर्जी आ गया, नीचे भी लेंथ है, हमें लेंथ है नहीं, वेलोसिटी इन टाइम है। तो लेंथ क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, बट डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस। लेंथ क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, और इसकी पावर कितनी है, टू। तो एनर्जी है ई एंड दिस इज वी माइनस टू व्हेन गोज इन न्यूमरेटर एंड टी इज आल्सो माइनस टू, ई वी माइनस टू टी माइनस टू। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला फॉर सरफेस टेंशन। अदरवाइज को सॉल्व करना हो तो वो टेक्निक हम प्रॉपर सॉल्व करने की नेक्स्ट वीडियोस में इसको सीखेंगे, राइट। तो दिस वाज आल्सो वन क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। तो फाइनली अब हम करने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस। What are the applications of dimensional analysis? देखिए जब आप dimensional analysis पढ़ें तो इसके क्या uses हैं उनका भी तो हमें पता होना चाहिए ना। dimensional analysis मैंने short में लिख दिया, right? तो तीन इसके main uses हैं, और वो तीन uses के अलग अलग numericals बनेंगे, सभी का अलग applications बनेंगे, तो हमने हर एक को master करना है। सबसे पहला हम कह सकते हैं कि to check the correctness of a formula। एक फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, हम डायमेंशनल एनालिसिस के यूज से वी कैन फाइंड दैट। सो नंबर वन इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फार्मूला। सेकेंड इज टू कन्वर्ट वन फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिंपली यू कैन राइट टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अदर। जैसे मान लीजिए आपको यूनिट दी है किसी क्वांटिटी की एसआई में, उनको हाउ टू कन्वर्ट सीजीएस, वैसा कुछ। टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अदर सिस्टम, तो ये भी इसका यूज है। और जो सबसे ज्यादा जिसके एप्लीकेशन बनते हैं, दैट इज टू डिराइव ए फार्मूला, राइट, फॉर फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ सम अदर फिजिकल क्वांटिटीज। जो आपसे मैं बात अभी कर रहा था, हमने जो हिट एंड ट्रायल से किए, वो एग्जैक्ट मेथड उसका ये है, टू डिराइव अ फार्मूला फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। तो इनको हम बारी बारी से टेकअप करेंगे और सभी के कुछ कुछ न्यूमेरिकल साथ साथ में करेंगे, और इन तीन एप्लीकेशंस के ऊपर काम होगा। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट आर एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, नंबर वन, नंबर टू एंड नंबर थ्री। सो लेट अस स्टार्ट विद नंबर वन। तो पहली एप्लीकेशन टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फार्मूला। लेकिन बहुत खुश नहीं होना कि हमें तो ऐसा हथियार मिल गया कि हम किसी भी फार्मूला की करेक्टनेस चेक कर पाएं, क्योंकि डायमेंशन का अपना तरीका है जो बिल्कुल सही नहीं है, इसकी अपनी कमियां हैं। लेकिन इसकी खूबियों को देखें तो उन खूबियों को यूज़ करेंगे सिर्फ हम, बाकी इसकी कमियां बहुत हैं, है ना। तो इसकी खूबियों को ही देखना, कमियां इसकी अपने इग्नोर कर देनी है। यह क्या कहता है, ये मान लीजिए मैं एक लेता हूँ फार्मूला सिंपल सा कि लेमडा इज इक्वल टू एच वाई एम बी, राइट। वेवलेंथ क्या होता है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट वाई मास इनटू वेलोसिटी।
एक और लेता हूँ फार्मूला कोई भी जिसका आपको ऑलरेडी पता हो, एफ इज इक्वल टू एम ए, हमने ये ले लिया फार्मूला। तो ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, ये हम यहाँ से पता लगा सकते हैं, राइट। सबसे पहले समझें इस फार्मूला के लेफ्ट हैंड साइड में कितनी टर्म्स हैं, वन, यहाँ भी कितनी टर्म है, वन, है ना, ये वन ही टर्म है ना, ये भी वन है और ये भी वन है। चलिए वो लेते हैं, यहाँ पे दो टर्म्स हों कोई, जैसे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये डिस्टेंस को निकालने का पढ़ा है आपने फार्मूला नाइन्थ क्लास में। तो यहाँ पर तीन टर्म्स आ गई, वन इज s, अदर इज यू टी एंड थर्ड इज हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है और उस प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या नाम है प्रिंसिपल का? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या नाम बोले? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है कि ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडिट, है ना। आप भी समझते हैं ना, तीन गाय प्लस चार भैंसें, कोई सात गाय या सात भैंस तो नहीं हो गई ना, यू कैन ऐड लाइक टर्म्स। यही तो हमें सिंपल मैथ सिखाता है, वो ये कह रहा है। क्या कह रहा है ये? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेज दैट ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडिट। लाइक टर्म्स कैन बी एडिट का मतलब हुआ एडिट और सब्ट्रैक्टेड, कुछ भी एडिट और सब्ट्रैक्टेड। ये कहता है कि यदि ये डिस्टेंस है, इसके डायमेंशंस यदि डिस्टेंस के हैं, तो सेकेंड टर्म के भी डायमेंशन डिस्टेंस के ही होने चाहिए और थर्ड टर्म के डायमेंशन भी डिस्टेंस के ही होने चाहिए, ताकि आप एक डिस्टेंस को दूसरे डिस्टेंस में ऐड करें और आंसर भी डिस्टेंस आ जाए। बात समझ आ रही है? ये है होमोजेनिटी का प्रिंसिपल। मानो ये डिस्टेंस और ये एक्सेलेरेशन बन जाए इसका डायमेंशन, तो बात नहीं बनी। ये डायमेंशन लेस हो जाए, ये टाइम हो जाए, तो हाउ यू विल ऐड? लाइक टर्म ऐड कर पाएंगे ना आप? तीन स्टोन्स प्लस चार पेन्स कांट बी एडेड, वो एज इट इज रहेंगे, स्टोन लग रहेंगे, पेन लग रहेंगे। सो प्रिंसिपल होमोजेनिटी सेज, इसका वन डेफिनेशन ये हुआ कि सेज ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड। और इसको जरा और अच्छी भाषा में बोले तो ये बोलें कि डायमेंशनल फार्मूला फॉर ईच टर्म शुड बी सेम इन एनी डायमेंशनल इक्वेशन। दिस इज डायमेंशनल इक्वेशन। इन एनी डायमेंशनल इक्वेशन द डायमेंशनल फार्मूला फॉर ईच टर्म शुड बी सेम, राइट, देन दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। करेक्ट नहीं बोला हमने, हाँ बड़े खुश नहीं होना, कैसा करेक्ट? डायमेंशनली करेक्ट। मान लीजिए कि हम एक बात शुरू करते हैं, चलिए हमें किसी ने कहा कि ये एक फार्मूला दिया गया आपको, डेफिनेशन समझ आ गई ना ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल की, ओके। तो क्वेश्चन लेते हैं कि चेक द करेक्टनेस ऑफ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका आपको पता करना है कि फार्मूला सही है कि गलत है। आप क्या बोलेंगे? हम ये कहेंगे कि सबसे पहले हमें ईच एंड एवरी टर्म का डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए। व्हाट इज द फार्मूला फॉर द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज फार्मूला फॉर सेकेंड टर्म एज ए होल, है ना, सेकेंड एज ए होल एंड थर्ड एज ए होल। हाफ ए टी स्क्वेयर का भी डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए। यदि ये तीनों सेम आ गए तो फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट, नहीं आए तो गलत। फिर कैसा गलत? डायमेंशनली इनकरेक्ट। दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको मैं लिख देता हूं यहां पर कहीं, दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन। यानी किसी भी इक्वेशन की कैसी कंसिस्टेंसी है, कैसे इक्वेशन ठीक है, सिर्फ डायमेंशनल ठीक है। ये एग्जैक्टली ठीक है गलत है हमारी कोई गारंटी नहीं है, देखते हैं कैसे। दिस इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? L, यू नो इट वेल। आगे चलते हैं, U एंड T है, दो टर्म आ गई यहाँ पर, नहीं टर्म तो एक ही, लेकिन क्वांटिटीज दो हैं, टर्म एक ही है। U और T को मल्टीप्लिकेशन, U इज इनिशियल वेलोसिटी, है तो L T माइनस वन ना, वेलोसिटी है, इन टू टी, टी इज टाइम, तो ये टी वन माइनस वन कटे आपस में, क्या रह गया, ये भी L ही आ गया, एग्री। आगे चलते हैं, हाफ, हाफ के तो डायमेंशन होते नहीं है भाई साहब, है ना। अब हाफ की जगह यहाँ वन बाई थ्री होता तब भी बोलते हैं कि किसी को छोड़िए उसको, वो हमारे काम का नहीं। एक्सेलरेशन है, व्हाट इज एक्सेलरेशन? एल टी माइनस टू। व्हाट इज टी टू? दिस इज टी टू, टाइम का स्क्वायर, तो ये टी टू माइनस टू कट गए, तो टी टू तो गया और बाकी रह गया ये एल रह गया जी, तो इसका भी एल, इसका भी एल, तो सभी के डायमेंशनल फार्मूले सेम आ गए, तो क्या बोलें? देयरफॉर वी कैन से अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल व्हाट वी शुड राइट?
वी शुड राइट दैट दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. और यहां से साथ में लिस्ट ना लो, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. अलग से एक लिस्ट तैयार करना आपने. उसमें से पहला हमने पीछे कहा जब हमने वो किया था डिफ्यूजन कांस्टेंट का वर्किल किया था, क्या बोले थे, डायमेंशनल एनालिसिस टेक्स नो केयर ऑफ साइंस. माइनस था प्लस था कोई पता नहीं इसको. यहां पर भी आप एस इज यू टी माइनस हाफ इट स्क्वायर कर देते मान लीजिए, तब भी तो क्या बोलता है ये फॉर्मूला सही है. पर कैसा सही है, डायमेंशनली सही है. दिस वॉज डायमेंशनल कॉन्सिस्टेंसी. इसने ठेका लिया सिर्फ किस चीज का, डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनली ही चेक करने का. ये साइन वाइन बोले हमारे बस की बात नहीं. तो ये अच्छा, यहाँ पर 1/2 होता कि नहीं भी होता तब भी सही आता क्योंकि हाफ की तो बात ही नहीं की गई. तो सेकंड ड्रॉबैक क्या होनी चाहिए, डायमेंशनल एनालिसिस की कमी है ना इसकी, ये लिमिटेशन है ये. तो दूसरी जो आप सेट बना रहे हैं उसमें लिखिए कि डायमेंशनल एनालिसिस यस गिव्स नो अटेंशन टुवर्ड्स दिस फ्रैक्शंस और नंबर्स, राइट. कोई इनकी बात ही नहीं करता ये, दिस नेवर टॉक्स ऑफ दिस नंबर्स. तो फॉर्मूला पूरा ठीक नहीं होता. तो यदि आपको पूछे कि इज इट करेक्ट टू से, सुना ध्यान से, इज इट करेक्ट टू से दैट ए फॉर्मूला विच इज डायमेंशनली करेक्ट इज ऑल्सो करेक्ट, नो बिल्कुल नहीं, वो गलत भी हो सकता है. ये एक चेक है सिर्फ. तो सेकेंड चेक में वो साइन वाइन आएंगे वो गलत, तो सारे काम गलत हो गए. लेकिन दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यदि डायमेंशनली ही फॉर्मूला गलत हो गया तो वो 100% गलत ही होगा. यानी डायमेंशनली इनकॉन्सिस्टेंस फार्मूला हमेशा गलत होगा. कारण ये है कि यदि यहाँ पर लेंथ है और यहाँ पर मान लो आ जाता कुछ और टाइम आता, तो लेंथ में टाइम आप कैसे ऐड करते, तो चाहे डायमेंशंस का है चाहे वैसे है, ये ऐड कभी भी नहीं होगा. तो दैट मीन्स टू से दैट इफ ए फार्मूला इज, यू कैन राइट दिस इन बोल्ड लेटर्स, इफ ए फार्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, राइट, देन दैट फार्मूला इज अदरवाइज ऑल्सो इनकरेक्ट, राइट. सो दिस वॉज वन आइडिया. तो अब हम इसके ऊपर बेस कुछ और क्वेश्चंस करते हैं और वहाँ से कहानी को आगे लेके चलेंगे. एक क्वेश्चन लेते हैं जो क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी बुक से है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है वेंडरवॉल और उन्होंने गैस का इक्वेशन दिया था. तो गैस के इक्वेशन में P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम एंड T इज टेम्परेचर, R इज गैस कॉन्स्टेंट, हमने पहले भी पढ़ा था, याद आया. पी वी इज इक्वल टू, जब NRT पढ़े थे ना तो हमने क्या बोले था कि दिस इज प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, गैस कॉन्स्टेंट एंड T इज टेम्परेचर. तो इनकी तो हमें पता है कि सिंबल हैव यूजुअल मीनिंग. यहाँ जो नए खिलाड़ी आए हैं वो कौन कौन है, इनको ढूंढा जाए. तो यहाँ नए खिलाड़ी हैं, नंबर वन इज A, अनदर इज B. ये थोड़े से हमारे इस इक्वेशन से बाहर किया गया है और यही क्वेश्चन पूछा है कि राइट डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ ए एंड बी. अब ये क्वेश्चन कैसे किया जाए, क्या पूरा सॉल्व करें, कैसे करें, लेकिन जो हमने अभी ट्रिक सीखी कौन सी, एप्लीकेशन नंबर वन में टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, वो हमें बता रही है यहाँ पर. तो अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल, तो व्हाट इज दिस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मैं इसको शॉर्ट में एच ही लिख रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, चलो एच ही कर लेता हूँ, है ना, आपने पूरा लिखना है ये. ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड, एग्री, ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड, दैट मीन प्रेशर कैन बी एडेड टू प्रेशर, लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि इसके डायमेंशन प्रेशर के हैं तो ये एज ए होल भी प्रेशर ही होगा. That means dimensional formula for pressure and dimensional formula for A by V square, A जो भी हो, A, B, C कुछ भी हो सकता है, जब इसका as a whole बात करेंगे तो इसका dimensional formula भी pressure जैसे आना चाहिए. Is it? Therefore A का dimensional formula कितना हो गया, तो उधर set कर लीजिए इसको, this is P V square, तो pressure into volume square. You can solve it and we can find the answer also. तो P कितना होता है, ML माइनस वन T माइनस टू यूनिट वेल, वॉल्यूम इज L3, पावर 2 है लेकिन वॉल्यूम की, तो L6 हो गया. एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद, M L इज 6 माइनस वन इज 5 एंड T इज माइनस 2. तो A का तो बन गया जी ये डायमेंशनल फार्मूला. अच्छा, इसके यूनिट भी निकाल पाएंगे, देयरफॉर यूनिट्स कितने हो गए A के, तो यूनिट्स ऑफ A हो गए जी M का किलोग्राम, मीटर पावर 5 और सेकेंड पावर माइनस 2. इसी बात करते हैं B की. तो B का भी यही तरीका चलना, उसमें कौन सा और तरीका लेंगे हम, है ना, वो भी तो सेम ही तरीका है और आपने कर लेना आराम से. कैसे करेंगे कि डायमेंशनल फार्मूला फॉर V
एंड डायमेंशनल फार्मूला फॉर बी दे शुड बी सेम बिकॉज लाइक टर्म्स कैन बी एडेड. इनकी बात ही नहीं करनी जब ये तो बाकी जुड़ती कोई नहीं रही. सिर्फ बात इसमें करिए लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. वॉल्यूम ऐसे वॉल्यूम ही घट सकता है तो इसके डायमेंशन भी वॉल्यूम के हैं तो ये भी वॉल्यूम ही होगा. तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो बी है ना ये कितना हो गया, दिस इज एल थ्री इज इट. तो इसका ये तो डायमेंशनल फार्मूला हो गया. एंड वट आर द यूनिट्स, हमें बोला कि इनका एस आई यूनिट भी लिखिए. तो कितना हो गया वो मीटर क्यूब, वॉल्यूम है क्योंकि. दिस वॉज सिंपल क्वेश्चन इज इट. तो ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करिए. नेक्स्ट वीडियोज़ में वी विल मीट विद सम मोर क्वेश्चन. कोई आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, उनको आप मुझे मेल भी कर सकते हैं कोई आपको डाउट्स आए तो. सो थैंक यू वेरी मच. और कमेंट बॉक्स भी यूज़ करिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो. वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर रेशियोज योर प्रॉब्लम्स. सो विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.